नहीं, चुनाव तो मजबूत ही होते हैं, है ना? लेकिन मजबूत चुनाव को अपने लिए मजबूत कैसे करें, जो वो बोल के कार्यकर्ता हूँ। जब नेता आता है तो ऊर्जा कार्यकर्ता हूँ वैसी आ जाता, तो फिर सिंधिया जी, शिवराज सिंह जी पहुँच जाते, पूछ। टेंशन तो हर आदमी के साथ है, तरीका प्रकार अलग अलग होता है, तो किसी को कोई टेंशन नहीं, किसी को तो जीवन तो टेंशन के साथ चलता है। तो जो वादे करे थे उनमें से अधिकतर हमने पूरे करे हैं, कुछ रहे हैं तो वो निश्चित रूप से अब करें, और जनता समय रही कि परिस्थितियाँ थी। तो अशोक नगर में हमने बहुत चमत्कार करके दिखाया कि आज बाहर से बड़े शहरों के लोग आते हुए देख के हतप्रभ रह जाते हैं। अशोक नगर में ऐसी पर्यटन स्थल बना दिया हमने तुलसी सरोवर को। मेरी बहन आशा दौरे बहुत मजबूत प्रत्याशी थी और पहली बार कांग्रेस को इतने वोट मिले थे मेरे खिलाफ, तो अब जब वे भी मेरे साथ हैं तो कांग्रेस पर कोई दूसरा उम्मीद इतना मजबूत तो हतो ही नहीं। कृषि महाविद्यालय सबसे महत्वपूर्ण, मेडिकल कॉलेज और बाकी तो सिंचाई, विद्युत, ये सारी चीज़ें। तो भैया और राम राम नमस्कार, हम इस समय है अशोक नगर में और अशोक नगर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जसपाल सिंह जज्जी ने अपनो जनसंपर्क अभियान शुरू कर दो है और जगह जगह पूरे गलियों में जाके दुकानदारों से, व्यापारियों से भी वोट की अपील कर रहे हैं। हाल में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से जसपाल सिंह जज्जी को अपनो उम्मीदवार घोषित करे, उसके बाद अब उनने आधिकारिक तौर पर जो है जनसंपर्क शुरू करे। जसपाल सिंह जज्जी हमारे संग हैं। भैया, आज आधिकारिक तौर पे जो है जनसंपर्क शुरू होगा आज पूरा आधिकारिक तौर। हाँ, जनसंपर्क चल ही रहा है। टिकट की घोषणा के बाद से लेके की तरीके की तैयारी शुरुआती तौर पे? नहीं, तैयारी जो कार्यकर्ता आज जो कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग होते हैं, बैठ के होते हैं, आज हमारे नेता श्रीमान सिंधिया जी आए थे तो उनने पूरी विधानसभा के हर पोलिंग के 12 कार्यकर्ता थे और सारे कार्यकर्ता उन्होंने कल शाहडोरा में, आज अशोक नगर में सबके साथ लगभग 3-3, 4-4 घंटे बिताए, हर एक से व्यक्तिगत बात की, चर्चा की, तो सारे कार्यकर्ता बहुत उत्साह के साथ लगे हैं। का ऐसे मंत्र दे के गए कि भैया ये जो है बड़ो मजबूत और चुनाव है? नहीं, चुनाव तो मजबूत ही होते हैं, लेकिन मजबूत चुनाव को अपने लिए मजबूत कैसे करें, जे वो बोल के कार्यकर्ताओं से, तो जो कैसे करना है, तो उत्साह ऊर्जा, जब नेता आता है तो ऊर्जा कार्यकर्ताओं में वैसी आ जाती है, फिर सिंधिया जी, शिवराज सिंह जी पहुँच जाते, पूछ। जी तरीके से आप कानूनी लड़ाई भी लंबे समय से लड़ रहे थे, हर चुनाव के पहले एक जा टेंशन जरूर विधि रखती, इधर कम से कम टेंशन से दूर हो। अब टेंशन तो जिंदगी के साथ रहता ही है, ठीक है ना, टेंशन तो हर आदमी के साथ है, तरीका प्रकार अलग अलग होता है, तो किसी को कोई टेंशन नहीं, किसी को तो जीवन तो टेंशन के साथ चलता है। कोई जीवन राहत है, रात हर वेरे ही हो जाता है टेंशन रहे तो बाद में रात मिल जाती है। 2018 को जब आप चुनाव लड़े, उसके बाद फिर 2020 में भी लड़े, फिर 18 से और 23 के चुनाव के बीच में का परिवर्तन देखा? 18 चुनाव के बाद फिर कोरोना आ गया, तो कोरोना बड़ी परीक्षा थी राजनीतिक व्यक्तियों की, क्योंकि ऐसी महामारी कि जब परिवार का आदमी परिवार के साथ खड़े हैं तो तब राजनीतिक जनप्रतिनिधि तो उनकी क्या जवाबदारी है, तो भी एक परीक्षा की घड़ी थी, हमने वो पेपर दिया। अब ये जनता तय करेगी हम पास हुए कि फेल हुए, तो और उसके बाद दोबारा से फिर चुनाव गए, सरकार बनी बीजेपी की, जो विकास के हमने वादे करे थे, और चूंकि कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी सारे देश की, तो जो वादे करे थे उनमें से अधिकतर हमने पूरे करे हैं, कुछ रहे हैं तो वो निश्चित रूप से अब करें, और जनता समय रही कि परिस्थितियाँ थी। उसके बाद फिर तुम्हें पता ही है, हम इत की जगह भोपाल की जगह ग्वालियर, दिल्ली की दौड़ ज़्यादा रही हमारी, तो अब ठीक है, सब ईश्वर कर पाए। तो ऐसी कौन कौन सी बड़ी चीज़ें हैं जिनको आप उपलब्धि के तौर पर ये 5 साल में, चूँकि आप तो जब 1.5 साल जब कांग्रेस सरकार आई तब भी सरकार के विधायक थे, भाजपा सरकार में सरकार के विधायक, ऐसी बड़ी उपलब्धियां कौन सी हैं जो आप अशोकनगर की जनता के बीच ले? उपलब्धियां हमारी ये हैं कि एक तो अस्पताल का कायाकल्प कराया हमने, ठीक है ना, जब कोरोना काल आया तो उस समय अस्पताल में जो भी सुविधा हो सकती थी, लगभग मैंने 60 लाख रुपये तो मेरी विधायक निधि दिए लगाए, और कुछ व्यक्तिगत भी जो हमारी मित्र मंडली हम लोगों ने व्यक्तिगत भी उसमें व्यय किया जो भी कर सकते थे, और कायाकल्प कराया अस्पताल का, तो जो कल्पना। और दूसरी बात अस्पताल का ये कि
कोरोना जब दूसरी लहर आई तो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर जो ऑन रिकॉर्ड हैं, दूसरे प्रदेशों के पेशेंट अशोकनगर अस्पताल में कोरोना आए थे। क्यों आए थे? उन्होंने कहा सोशल मीडिया से हमें पता लगा कि सबसे ज़्यादा अगर अच्छा इलाज कहीं हो रहा है कोरोना का तो अशोकनगर अस्पताल में हो रहा है। तो जे हम लोग संतुष्ट हैं इससे कि हमने करा। और फिर अस्पताल कमी थी तो 300 बेडेड अस्पताल स्वीकृत होगा, 100 बेड होगा 300 करके, और उसके टेंडर होने वाले आचार संहिता टेंडर नहीं हो पाए। ऐसे ही एक बहुत बड़ा रोड जो जरूरत थी पूरे मेरी विधानसभा क्षेत्र की, कि साढ़ोरा से सीधा करीला एक डबल रोड 143 करोड़ रुपया को वो सेंक्शन हुआ, तो एक बड़ी उपलब्धि जिससे पूरे विधानसभा क्षेत्र के अनेकों गांव से होकर गुजरेगा, पूरे क्षेत्र का एक विकास के तौर पे कायाकल्प होगा। इसके अलावा भी साढ़ोरा जाते गुना ओवरब्रिज बहुत ज़रूरी था, वो टेंडर होगा, काम शुरू हो रहा है। बिजली सब स्टेशन बहुत सारे, सिंचाई के लिए स्टॉप डैम छोटे छोटे, स्कूलों कई बहुत सारे स्कूल बिल्डिंग्स, स्वास्थ्य कई स्कूल मिडिल से हायर सेकेंडरी कराए, ठीक है ना, पांचवी से वो कराए, संजीवनी के लिए अशोक बन के तैयार, अशोकनगर का कायाकल्प कराए, रोड हो या जो भी विकास के काम, तुलसी सरोवर पे आप चले जाओ देख लो आप, जो लोग कभी अशोकनगर बैठे रहते थे लोग कि कहाँ जाएँ, रिश्तेदार आ गए, मिलवे आ रहे, आ गए कहाँ जाएँ, तो अशोकनगर में हमने वो चमत्कार करके दिखाया कि आज बाहर से बड़े शहरों के लोग आते हैं, वे देख के हतप्रभ रह जाते हैं। अशोकनगर में ऐसी पर्यटन स्थल बना दिया हमने तुलसी सरोवर को। तो और भी जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं जनता के, भरपूर प्रयास करा है कि करे जाएं, लेकिन कमियां रही हैं, तो अब जनता आशीर्वाद देगी तो उनको पूरा करें। लेकिन पिछली बार जो आपके खिलाफ उपचुनाव में प्रत्याशी थी वे भी अब आपके संग हो गई इन टाइम, मेरी ताकत दूनी हो गई अब बिल्कुल। जो पिछली साल मेरे खिलाफ प्रत्याशी थी मेरी बहन आशा दौरे, बहुत मजबूत प्रत्याशी थी और पहली बार कांग्रेस को इतने वोट मिले मेरे खिलाफ, तो अब जब वे भी मेरे साथ हैं तो कांग्रेस पर कोई दूसरा उम्मीद इतना मजबूत तो हतो ही नहीं, तो जब अब हम दोनों साथ हैं तो कोई ऐसी चिंता की बात लग नहीं रही। चुनौती कितनी देख रहे पिछले चुनावों के मुकाबले, ये चुनौती पिछले चुनाव के मुकाबले चुनौती है ही नहीं, ये सारे लोग खड़े हैं कार्यकर्ता जनता इनसे पूछो, तो तुम भी तो आए थे पिछले, सभी कह रहे थे गए जे तो है ना, तो और निश्चित रूप से आशा दौरे ने चुनौती दी थी मुझे, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। अब आगे कौन सी ऐसी चीजें हैं खासतौर, जैसे आपने कही कि 5 साल में परिस्थितियां ऐसी रहीं, कोर्ट के भी चक्कर आपको लगाने पड़े, कछु जनमानस में जो भी है कि जज्जी भाई साहब जो है कम आए लोगों के बीच में, कम पहुंच पाए, उस शिकायत को कैसे दूर? नहीं, शिकायत दूर जनता को पता है, जनता है कि लेकिन जब भी ज़रूरत पड़ी जनता को मेरी तो मैं उनके साथ खड़ा हुआ, चाहे कोरोना आया हो, बाढ़ आई हो या और भी कभी भी, रात को 2 बजे भी अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है, चाहे अस्पताल हो चाहे कहीं, तो पहुंचता हूं, लोग फ़ोन लगाते हैं, बात करते हैं, तो लेकिन बड़ी हाँ ये ठीक, ये बिल्कुल सच्चाई है और मैं स्वीकार भी करता हूं कि कोर्ट कचहरी के इतने चक्कर पिछले लगभग साल 1.5 साल से ये हालत रही कि मैं एक पैर अशोकनगर में, दूसरा पैर या तो दिल्ली में, फिर तीसरा पैर ग्वालियर जबलपुर, तो मैं नहीं टाइम दे पाया, तो जनता समय रही है और उसके लिए मैं जनता से कहा ये मजबूरियाँ रही हैं, लेकिन फिर भी मैं क्षमा मांग। अब अगले 5 साल के लाने का वादा अगर आपको दोबारा से जनप्रतिनिधि चुने? सबसे बड़ी तो एक है मेरी कि कृषि महाविद्यालय, पहले तो अब कृषि महाविद्यालय सबसे महत्वपूर्ण, मेडिकल कॉलेज और बाकी तो सिंचाई, विद्युत, ये सारी चीज़ें। और एक बहुत बड़ी बहुत पिछले 20 साल से अशोकनगर मध्य में एक रेस्ट हाउस है, वो नगरपालिका का हैंड ओवर कराया, 20 साल से लड़ाई लड़ रहा था मैं, 20 साल पहले, 23 साल पहले नगरपालिका तब से, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा था। अब जब MLA बने, शिवराज सिंह मुखर्जी बने, तो वो एक इतना बड़ा काम है शहर के लिए, तो रेस्ट हाउस को, रेस्ट हाउस की सारी बिल्डिंग्स जो वर्तमान में रेस्ट हाउस ऑफिस उनको बाहर करने के लिए 11 करोड़ के सेंक्शन हुआ, टेंडर हुआ, काम शुरू हो गए हैं। तो अब इस साल 1 साल के अंदर रेस्ट हाउस नगरपालिका को मिल जाएगा और वहाँ जो भी मार्केट, पार्किंग, अंडरग्राउंड, ये सब एक कायाकल्प करेंगे शहर का, विकास का एक मॉडल तैयार होगा, तो ये एक बहुत बड़ी मैं मानता हूँ कि उपलब्धि हमारी सरकार की, तो ऐसे होने। धन्यवाद जतपाल सिंह जज्जी को, जो क्या वो है कि जो शहर को एक मॉडल शहर के तौर पर विकसित करें, और पिछले 5 साल में बहुत सारे काम भय कछु शुरू भय और जो रह गए वे अगले 5 साल में करे जहें अगर जनता उनको मौका दे। कैमरा मैन नीलेश के संग सचिन चौधरी, अशोकनगर से बुंदेली बौछार के लाने। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर,
दी हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़ अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।